हेलो फ्रेंड्स, मैं दोबारा से स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल बैंकिंग गुरु में। फ्रेंड्स, अभी इस वक्त मैं अपने आंगन में खड़ा हूँ और मैं आपको बताया था कि मैं अपने घर का ब्लॉक करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं अभी अपने घर का ब्लॉक करने वाला हूँ और मैं अभी अपने घर के आंगन में हूँ और हम लोग अपने आंगन से ही शुरुआत करेंगे। आप फ्रंट मेन डोर पर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अपना आंगन दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये मेरा खूबसूरत आंगन है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, आपको मैंने तो ये आप देखिए, ये हमारा आंगन है और ये सब कुछ पेड़ वेड़ लगे हुए हैं। ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, पता नहीं किस चीज़ का है, ये तो मुझे आइडिया नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये भी कोई चीज़ का पेड़ ही लगा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ लगा हुआ है। फ्रेंड्स, इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इधर कुछ कपड़ा पसारा हुआ है। ये केला का है, आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये केला का पेड़ था जो कि उखड़ चुका है, फिर से दोबारा लगाने की कोशिश की जाएगी। ये आम का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आम का है। और ये शायद ये अमरूद का पेड़, आप देख सकते हैं ये वाला जो पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है। ये भी किसी चीज़ का पेड़ है, शायद ये भी अमरूद का ही पेड़ लग रहा है। और फ्रेंड्स, अगर मैं इधर आऊँ तो फ्रेंड्स, ये मिर्चाई का पेड़ जो काफ़ी सूख गया है गर्मी में, आप देख सकते हैं ये मिर्चाई का पेड़ जो काफ़ी सूख गया है। तो ये सब पूरा फ्रंट आपका, ये सब जो मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा पूरा अंगना हुआ। आपको मैं अपना अंगना ही घुमा रहा हूँ फ्रेंड्स। और ये नींबू का, शायद एक पेड़ शायद नींबू का था ना, ये शायद नींबू का पेड़ है। ये आप देख सकते हैं, ये एक नींबू का पेड़ है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको मैं एक पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ आगे से। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा पूरा आंगना हुआ, कपड़ा पूरा पसारा हुआ है, ये पूरा आंगना है। आपको मैं ये पूरा आंगना दिखा रहा हूँ, ये मेरा आंगना हुआ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आंगन घुमाने के बाद मैं अब अपने रूम में चलता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो है, ये मेरा एक रूम है, ठीक है। ये बेसिकली मेरा एक स्टोर रूम टाइप का हुआ है। और ये बेसिकली इसमें अभी आप देख सकते हैं कि इसमें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है ये, और इसमें पूरा एल्बेस्टर लगा हुआ है। ये रूम अभी कम्प्लीट तैयार हुआ नहीं है, ये एक छोटा सा एक इस तरीके से टेम्प्रोरी टाइप का बना रही हूँ। सबसे पहले हम लोग स्टोर रूम से चलते हैं, तो चलिए आइए इंटरनल, हम लोग देखते हैं कि अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये हम लोग एक स्टोर रूम है, काफ़ी अंधेरा है मैं जानता हूँ, क्योंकि ये पूरा इसमें कुछ ना लाइट की व्यवस्था है और ना कुछ बिजली की व्यवस्था है। तो आप देख सकते हैं ये स्टोर रूम टाइप का है, इसमें अभी ढलैया नहीं हुआ और प्लास्टर नहीं हुआ। तो ये मेरा एक पहला एक स्टोर रूम हुआ। ऐसे ही मैं और आगे बढ़ता हूँ, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये अब यहाँ से मैं अपने वेल फिनिश जो रूम है उसमें मैं अभी इंटर करूँगा, देखता हूँ क्या हुआ है। जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये रूम काफ़ी वेल फिनिश्ड हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। वैसे पहले से ही कंप्लीट था, बट और थोड़ी कुछ मैं बाकी थी, वो भी हो गया, थोड़ी बहुत वो भी जो कंप्लीट होने वाली है। आप देख सकते हैं इसमें ये पूरा कम्प्लीटली वेल फिनिश्ड, मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। थोड़ी बहुत और इसमें फिनिशिंग की ज़रूरत है, बाकी सब ये कंप्लीट हो गया है। तो आपको देखा, पहले मैंने आंगना दिखाया, फिर एक स्टोर रूम दिखाया। स्टोर रूम से जैसे ही मैं अंदर आया, मैं आपको ये अपना एक इंटीरियर रूम दिखा दिया, ये मेरा दूसरा रूम हुआ। आगे नेक्स्ट स्टेप हम लोग सीढ़ी वाले रूम में चलेंगे, फिर हम लोग अपना नेक्स्ट रूम का दर्शन करेंगे, फिर जो और होगा हम लोग अपना रूम और नेक्स्ट दर्शन करके ब्लॉग खत्म करेंगे। फ्रेंड्स, सीढ़ी वाले रूम से आ जाने के बाद फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपना किचन दिखाऊंगा। ये मेरा किचन हो जाए, एक छोटा सा डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर बैठकर आदमी खा पी सकता है। और इसी से अटैच हमारा इस साइड में ये कोठली हो गया, और एक साइड ये मास्टर बेडरूम हो गया, ठीक है। ये पूरा मास्टर बेडरूम हो गया मेरा, ठीक है, आप देख सकते हैं।
और नेक्स्ट स्टेप में हम अपने अधूरा को भी सिखाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ, अभी मैं अपनी छत पे ले जाऊंगा। फ्रेंड्स, अभी मैं अपने छत पे जा रहा हूँ आपको अपना छत घुमाने। छत का ब्लॉगिंग मैं सुबह में करूँगा क्योंकि रात हो गया था, रात में अंधेरा हो जाता है, इसलिए मैं अभी छत पे ही जा रहा हूँ। गेट खोला, जैसे ही मैं छत पे आया आप देख सकते हैं मेरा छत, ये मेरा पूरा छत हुआ। ये एक रूम टाइप का बना हुआ था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। बाबा बनाने वाले थे लेकिन कुछ कारण से ऊपर का काम नहीं हो पाया है, तो वैसे ही छोटा का छोटा ही रह गया। ये मैं पूरा छत आपको घुमा रहा हूँ। ये सब बालकनी का पूरा डिजाइन विजाइन था, देख सकते हैं। ये मेरा पूरा छत है और काफ़ी अच्छा छत है, नहीं है उतना, जाओ जैसा भी है वैसा है। यहाँ से मैं आपको अपना आंगन भी दिखाऊंगा, आपको मैं अपना अपना आंगन दिखाऊंगा यहाँ से। ये देखिए, ये मेरा पूरा अपना आंगन हुआ, जैसा आपको पूरा अपना आंगन दिखेगा। और इस साइड मेरे बाबा का है, ये छोटे वाले बाबा का है, ये पूरा आप देख सकते हैं पूरा तीनों। तो छत का ब्लॉगिंग मैं सुबह में किया हूँ, होप आप देखे होंगे, आप देख सकते पूरा छत मेरा। श्री से छत दिखाने के बाद मैं आपको अब अपना फ्रंट साइड दिखाने वाला हूँ अपने दूरा का। तो इसका दो रास्ता है, दो रास्ता से हम जाएंगे। एक इधर से जा सकते हैं हम लोग और दूसरा हम दूरे वाले रूम, जो हमारा जो चौथा रूम है, इस रूम से हम लोग गेस्ट रूम तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इधर से चलते हैं, ये भी एक रास्ता है, इधर से हम लोग जाएंगे। तो ये मेरा पूरा दूरा हो गया, आप देख सकते हैं ये मेरा पूरा दूरा हो गया। और यहाँ से फिर हम अपने ये यहाँ से एंट्री करेंगे। तो ये हमारा जो गाँव में कोठली कहा जाता है, ये मेरा गेस्ट रूम हुआ, ठीक है। तो फिर यहाँ हम जैसे ही ऐसे ही आएंगे तो फिर यहाँ तक हम फिर उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से दो रास्ता है, इधर से हम लोग चलेंगे तो ये रास्ता से हम लोग फिर जाएंगे। तो ये मेरा जो डिजाइन है पहले से बनाया हुआ था, डिजाइन था इस तरीके से मेरा है। ये यहाँ से हम लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये मेरा पूरा आपका एक दूरा हो गया। मैं आपको पूरा अपना अधूरा दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं कि ये मेरा पूरा अपना अधूरा है। ये देखिए, ये पूरा ये रोड हो गया। ये दूरा पहले मेरा लंबा था लेकिन रोड हो जाने के कारण आप देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा चौड़ाई हो चुका है। ये आप देख सकते हैं मेरा फ्रंट साइड का मकान, आप देख सकते हैं। पेंटिंग वेंटिंग की अभी ज़रूरत है, पहले से जो बनाया हुआ है उसके लिए। तो इस तरीके से मेरा यही है फ्रंट साइज, फ्रंट का मैंने आपको दिखा दिया। आगे मैं आपको अपना जीतने का